नमस्कार दोस्तों, मैं भारती भावसर खापीलो किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं लेफ़्ट ओवर ब्रेड से केक बनाना सिखाऊंगी। और ये ब्रेड मैंने करीब 8-10 ब्रेड हैं ये, और ये दो दो तीन तीन ब्रेड जो बच जाती हैं वो उसको मैंने स्टोर कर लिया था। अब हम एक मिक्सर जार में ये ब्रेड को डाल देते हैं और इसका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे या इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो मैंने ये सारे ब्रेड को एक मिक्सर जार में डालकर पीस लिया है। अब मैं एक कप दूध लेती हूँ और एक बाउल में डाल देती हूँ। अब साथ ही मैं आधा कटोरी दही ले लेते हैं और आधा कटोरी मैं शक्कर का इस्तेमाल करूँगी। ब्रेड स्वीट भी होते हैं। 1/4 कटोरी ऑयल का इस्तेमाल किया है और आधा कटोरी मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है। और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से। और मैंने चुटकी भर इसमें नमक डाला है और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स हो गया है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मैं ब्रेड क्रम्स ले लेती हूँ। तो मैंने एक माप के हिसाब से कटोरी यूज़ कर रही हूँ। आप बराबर की मात्रा में भी सूजी और ब्रेड को एक बराबर मात्रा में भी ले सकते हैं। मैं इसमें आधा कटोरी सूजी में 2 कटोरी के करीब ब्रेड क्रम्स डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसका जो बैटर होगा बिल्कुल गाढ़ा बैटर बनेगा। और ब्रेड ताजी है तो इसमें दूध की मात्रा कम लगेगी। और यदि आपका ब्रेड ज़्यादा पुराने हैं तो आपको थोड़ा सा दूध ज़्यादा लगेगा, आप चेक करते जाइएगा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसमें दूध बहुत कम ही डालना है, ये गाढ़ा ही रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो मैं इसमें थोड़ा दूध ऐड करूँगी। थोड़ा दूध और डालेंगे, करीब हम 1 कप ही दूध डाला है तो 1 कप दूध और डल जाएगा। बस इससे ज़्यादा दूध हमको नहीं डालना है। पहले मैं 1/2 कप दूध डाल देती हूँ क्योंकि ब्रेड ऑलरेडी सॉफ्ट रहते हैं, इसलिए इसमें दूध कम ही लगेगा। और ये अच्छा सा गाढ़ा सा बैटर बनकर हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये थोड़ा सा बचा हुआ ब्रेड क्रम्स था उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। और टोटल हमने 2 कप दूध यूज़ करेंगे। ये 1/2 कप और डाल दिया है, बस इससे ज़्यादा हमको यूज़ नहीं करना है ब्रेड क्रम्स में, ये हमारे केक के बैटर में। और ये गाढ़ा सा बैटर बनकर हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल गाढ़ा बैटर रखना है, 2 कप दूध ही डालना है, 1 कप सूजी भी आप ले सकते हैं इसमें। और बस अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो ये मैं बेकिंग पाउडर 1 चम्मच के करीब हम डाल देते हैं और 1/4 चम्मच के करीब हम सोडा डालेंगे। आप आपके हिसाब से मेज़रमेंट करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि ब्रेड क्रम्स कम है तो आप कम डू यूज़ करें और सूजी का इस्तेमाल उसके साथ में कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छा सा सॉफ्ट और तैयार हो गया है। ये मेरे पास केसर पिस्ता का मसाला रखा हुआ था जो कि मैंने इसमें ऐड कर दिया, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप इसकी जगह एसेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और बस अब हम इसको 180 डिग्री पर OTG में बेक कर लेंगे। आप ओवन में कर सकते हैं बेक। तो मैं एक केक टिन ले लेती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। केक का बैटर बिल्कुल गाढ़ा ही रखना है क्योंकि ब्रेड ऑलरेडी सॉफ्ट रहते हैं। अब मैं केक टिन ले लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा घी या तेल आप जो भी पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। और इसको हम हाथ से उंगली की सहायता से या आपके पास ब्रश हो तो आप उससे भी इसको फैला सकते हैं। और अब मैं इसमें हल्का सा आटा छिड़क दूंगी जिससे कि ये
जिससे केक अच्छे से बाइंड हो जाएगा और ये नीचे चिपकेगा भी नहीं। इसलिए इसको आटा या मैदा आप कुछ भी छिड़क सकते हैं। और अब मैं ये केक का बैटर डाल देती हूँ। आप ओवन में या ओटीजी में इसको बेक कर सकते हैं 35 मिनट के लिए। आप 180 डिग्री पर बेक करने के लिए रख दीजिएगा और आपका केक बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा ब्रेड केक बनकर रेडी हो गया है। मैंने इसके पीस कर दिए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है।